अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शबे कद्र की रात कौन सी रात होती है, नमाज किस तरह से पढ़ी जाती है, अल्लाह की इबादत किस तरह से की जाती है। रमज़ान के आखिरी अशरे में एक रात शबे कद्र की रात आती है। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शबे कद्र की रात इन पाक और ताक रातों में से एक रात होती है। अब ये रात कौन सी है, तो आइए देखते हैं। 21वीं शब यानी 20वां रमज़ान गुजरने के बाद अगली रात 23, 25, 27 और 29 इन पांच रातों में से एक रात शबे कद्र की होती है। तो हमें चाहिए इन पांच रातों में से इबादत का तरीका एक ही है। फिर भी अगर कोई कहता है कि 27वीं रात ही शबे कद्र की रात है तो वो गलत है। शबे कद्र हर साल बदल बदल कर आती है, तो अल्लाह की इबादत आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, नफिल नमाज पढ़ें। नफिल नमाज पढ़ने का तरीका ये होगा, आप सबसे पहले नियत करेंगे, नियत की मैंने दो रकत नमाज नफिल शबे कद्र की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर अल्लाह अकबर कहेंगे और नियत बांध लेंगे। इसके बाद आपको हर रकात में एक बार सूरह फातिहा पढ़नी है, एक बार सूरह अल कद्र पढ़नी है और तीन बार सूरह इखलास पढ़नी है। आप तीन बार पढ़ लें, पांच बार पढ़ लें, सात बार, नौ बार या ग्यारह बार आप सूरह इखलास पढ़ सकते हैं। हर रकात आपको इसी तरह से पढ़नी है, फिर आपको पूरी नमाज आम नमाज की तरह कंप्लीट कर लेनी है। इसके बाद आप सूरह यासीन पढ़ें, सूरह रहमान पढ़ें, दरुद पाक पढ़ें, फिर आप दो रकात नमाज तहज्जुद पढ़ें, दो रकत नमाज सलातुल तौबा पढ़ें, दो रकत नमाज आप सलातुल हाजत पढ़ें, चार रकत नमाज आप सलातुल तस्बीह की पढ़ें। इन तमाम नमाजों का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं और नमाज पढ़ने का तरीका सीख सकते हैं। तो पहले दोस्तों, इस रात आप नफिल नमाज ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। पढ़ने का तरीका आप दो दो रकात करके नमाज को पढ़ें, दो रकात की नीयत करें और दो रकात पर आप सलाम फेर लें। इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा नफिल नमाज पढ़ें, कुरान की तिलावत करें और अल्लाह की इबादत करें। इस रात को बेफिजूल घूमने फिरने में नहीं गुजार दें, अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह को राज़ी कर लें। पहले दोस्तों अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को शबे कद्र की रात इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख देना, क्या पता कि इस भाई की जुबा से निकल आमीन अल्लाह पाक के बारगाह में कबूल हो जाए और उसके सद के तमाम मुसलमान की मगफिरत हो जाए। आमीन सुम आमीन।